आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। नव दुर्गा की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। बृहस्पतिवार 7 अक्टूबर 2021 से नव दुर्गा आरंभ होगी। 9 दिनों तक माता की शक्ति स्वरूप में पूजा की जाएगी और उसके बाद 9 दिनों के बाद माता का विसर्जन, माता की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। 7 अक्टूबर से आरंभ होगी नवदुर्गा। 9 दिन तक माता के विभिन्न स्वरूपों को, शक्ति के स्वरूपों को पूजा जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए दुर्गा पंडाल सजते हुए दिख रहे हैं, साथ ही यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा प्रतिमाओं को मूर्तिकार अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर प्रतिमाएं किस तरह से तैयार हो रही हैं, प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 9 दिन तक नौ दुर्गा का शक्ति स्वरूप में 9 प्रतिमाओं की, 9 देवियों के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री, चतुर्थीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महावौरी, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नमामि ब्रह्माणे महात्मना। माता के 9 रूप, पहला रूप शैलपुत्री, दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप माता का चंद्रघंटा, और उसके बाद चौथे रूप में कुष्मांडा, पांचवा रूप स्कंद माता, छठा रूप कात्यायनी, सातवा रूप कालरात्रि और आठवें रूप में महागौरी की पूजा की जाती है। और माता का नौवां रूप सिद्धिदात्री के रूप में जाना जाता है। सिवनी में अनेक स्थानों पर मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं, साथ ही दुर्गा पूजा के पंडाल सजने आरंभ हो गए हैं। कोरोना काल में ये दूसरा मौका होगा जब नवदुर्गा, कोरोना काल में नवदुर्गा का त्यौहार मनाया जाएगा। और नवदुर्गा के त्यौहार के लिए परंपरागत तैयारियां, उत्साह लोगों में दिख रहा है, परंपरागत उत्साह दिख रहा है। 15 अक्टूबर को दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। 15 अक्टूबर के उपरांत माता के 9 रूपों का पूजन, लगातार 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। शुक्रवार 15 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। कोरोना काल में दूसरी बार नवदुर्गा का त्यौहार मनाया जा रहा है, इसके लिए राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और जिला स्तर पर SOP अर्थात गाइडलाइन प्रोटोकॉल की जारी हो गया है। गरबे की अनुमति इस बार नहीं दी गई है, पिछली बार भी गरबा नहीं किया गया था। अगर आप घर पर गरबा करते हैं तो उसके लिए अनुमति लेने की शायद ज़रूरत नहीं है, पर व्यावसायिक गरबे की अनुमति इस बार भी प्रशासन के द्वारा प्रदान नहीं की गई है। देखिए यहाँ पर पंडाल की तैयारी चल रही है, दुर्गा प्रतिमा का पंडाल। वैसे कोरोना काल चल रहा है और सितंबर में तीसरी लहर की उम्मीद जताई जा रही थी, पर तीसरी लहर उस तरह से तो नहीं आती दिखी जिस तरह से उम्मीद लोगों को आशंका थी, और जिस तरह की उम्मीदें जताई जा रही थी उस तरीके की लहर तो कतई दिखाई नहीं दी। पर फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियाँ किस तरह से यहाँ जारी हैं। बस स्टैंड से लेकर आप अगर छिंदवाड़ा नाके तक जाएं या भैरवगंज, जारत नाका, मंडला रोड, बरघाट रोड, कटंगी रोड, हर तरफ बारापत्तर, हर तरफ दुर्गा माता के पंडालों की तैयारियाँ युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। पितृ पक्ष समाप्त हो रहा है, 6 अक्टूबर बुधवार को पितृपक्ष समाप्त हो रहा है और पितृमोक्ष अमावस्या पर लखनवाड़ा घाट पर, प्रतापपुर के घाट पर माता वैनगंगा, पुण्य सलिला वैनगंगा को के घाटों पर, छपारा का घाट हो, केवलारी का घाट हो, हर जगह पितृतर्पण का कार्यक्रम बहुत ही
उस परंपरागत तरीके से कराया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। यहाँ दुर्गा प्रतिमाओं को विराजने का सिलसिला आरंभ कराया जा रहा है। आयोजन समिति से एक आग्रह है कि वे सड़कों को उस तरह से ना घेरें कि यातायात उससे किसी तरह से बाधित हो। साथ ही जो गाने बजाने अगर गीत और भजन बजाए जाए तो उनका उनकी आवाज़ थोड़ी कम रहे, सब ज़्यादा शोरगुल ना किया जाए। इस तरह से अगर करते हैं तो ये निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। भक्तिभाव बहुत तेज़ आवाज़ में या बहुत ज़्यादा जगह घेरने में शायद दिखाई नहीं देता है। सौम्यता, जिस तरह माता की प्रतिमा बहुत सौम्य होती है उसी तरह व्यवहार भी सौम्य होना चाहिए लोगों का। लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में डीजे आदि नहीं बजाना चाहिए। साथ ही सड़कों को बहुत ज़्यादा घेरना नहीं चाहिए। ये इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनके किसी समितियों के किसी काम से किसी को असुविधा ना हो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।